इस वीडियो का थंबनेल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, ये जानने के लिए कि क्या इस थंबनेल से वीडियो के व्यूज बढ़ जाते हैं। नाम इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी। अमेजोन प्राइम ने अपनी नई सीरीज पाताल लोक को रिलीज कर दिया है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाताल लोक के बारे में, जानेंगे कैसी है ये सीरीज और इसे आपको देखना भी चाहिए या नहीं। पाताल लोक एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा की कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स ने। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स है जो लगभग 45 से 50 मिनट के बीच के हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले इंडियन ओरिजिनल के हिसाब से अभी तक ये साल उतना खास नहीं रहा है और कोई भी ऐसी वेब सीरीज नहीं आई जिसने इंडियन ऑडियंस के बीच सेक्रेट गेम्स या मिर्जापुर जैसा ट्रेंड सेट किया हो। लेकिन अब इतने दिनों बाद एक अच्छी वेब सीरीज को रिलीज किया गया है जिसमें आपको क्राइम के साथ जबरदस्त थ्रिलर देखने को मिलेगा। इस सीरीज के कास्ट में आपको नीरज कभी, बनाग, अभिषेक बैनर्जी और जयदीप अलावत जैसे स्टार देखने को मिलेंगे। इस सीरीज की स्टोरी है एक पुलिस वाले की, नाम है हाथीराम चौधरी। दिल्ली के आउटर जमुनापार थाने में पोस्टिंग है और हाथीराम मानता है कि दुनिया में तीन लोक है, स्वर्ग लोक जहां बड़े लोग रहते हैं, धरती लोक जहां वो खुद रहता है और पाताल लोक जहां उसकी पोस्टिंग है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन में चार क्रिमिनल गिरफ्तार होते हैं, हथौड़ा त्यागी तोप सिंह, चीनी और कबीर एम। इन पर मीडिया न्यूज रिपोर्टर संजीव मेहरा की हत्या की साजिश का आरोप है और ये केस हाथीराम को जाता है। इस केस के कई पहलू होते हैं जिसे हाथीराम को सुलझाना होता है। हाथीराम को ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को साबित करना होता है बल्कि अपने परिवार को भी ये साबित करना होता है कि वो कितना काबिल है। तो क्या हाथीराम इस केस को सुलझा पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। तो क्या खास है इस सीरीज में जिसके वजह से आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। इस सीरीज का डायरेक्शन काफी अच्छा है जिसे डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण और प्रोसित रॉय ने। पंजाब के सीन में आपको पंजाबी सुनाई देगी, न्यू दिल्ली की हाई सोसाइटी में इंग्लिश, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखंडी। डायरेक्शन के साथ साथ सभी कास्ट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और खासकर जयदीप अहलावत ने सीरीज में अब तक का अपना बेस्ट दिया है। आप जयदीप के फेस पर वो सारे एक्सप्रेशन देख सकते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से उनके फेस पर दिखता है। इस वेब सीरीज की स्टोरी काफी स्ट्रांग है और इंडिया में हो रही कई घटनाओं से रिलेटेड है। सबसे खास बात है सीरीज की, इस सीरीज का थ्रिलर और सस्पेंस जो आखिरी तक आपको इस सीरीज को देखने पर मजबूर करेगी। सीरीज के बीच के एपिसोड थोड़े स्लो है लेकिन इस कमी को इग्नोर किया जा सकता है। ओवरऑल कुछ कमियों को इग्नोर किया जाए तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आने वाली है। लंबे समय बाद इंडियन ओरिजिनल क्राइम जॉनर में कुछ अच्छा रिलीज हुआ है और हो सकता है कि आपको सीरीज का भी दूसरे सीजन का इंतजार रहेगा। ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बात करें अगर इस वेब सीरीज के रेटिंग की तो हम इस वेब सीरीज को 4 स्टार देंगे। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।